वहीं नौसेना और वायुसेना के लिए ब्रह्मोस मिसाइल रडार समेत 39,150 करोड़ के हथियार और उपकरण खरीदे जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए 5 सैन्य सौदों पर दरखास्त किए हैं। इन बड़े स्वदेशी रक्षा सौदों से भारतीय सेना को मजबूती मिलेगी। मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार ये सौदे विदेशी मुद्रा बचाएंगे और भविष्य में विदेशी मूल के उपकरण निर्माताओं पर निर्भरता कम करेंगे। 5 में से 1 रक्षा सौदा MiG-29 विमानों को एयरो इंजन की खरीद के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ किया जाए। वहीं क्लोज इन हथियार प्रणाली खरीद के लिए लार्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड से 2 करार हुए हैं। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद के लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 2 सौदों को फाइनल किया गया है। यह है 5 बड़े कॉन्ट्रैक्ट। इसमें पहला सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इंडो रूसी जॉइंट वेंटर वाले ब्रह्मोस एरोस्पेस से 450 किलोमीटर एक्सटेंडेड रेंज वाली 220 ब्रह्मोस सुपरसोनिक की डील शामिल है। 988 करोड़ रुपए का एक अन्य कॉन्ट्रैक्ट ब्रह्मोस वर्टिकल लॉन्च सिस्टम का भी था। वहीं प्राइवेट सेक्टर कंपनी LNT के साथ 2 IAF कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए। पहली डील 7,669 करोड़ रुपए की थी, जिसके तहत क्लोज इन वेपन सिस्टम की 61 फ्लाइट्स खरीदी जाएंगी और दूसरी डील 5,700 करोड़ रुपए के 12 हाई पावर रडार के लिए की गई। इन रडार से चीन और पाकिस्तान सीमा पर तैनात मौजूदा लॉन्ग रेंज IAF रडार को रिप्लेस किया जाएगा। 5वां कॉन्ट्रैक्ट MiG-29 फाइटर्स के RD-33 एरो इंजन के लिए था, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 5,250 करोड़ रुपए में रूस की मदद से बनाएगा। इस डील के तहत 80 नए इंजन बनाए जाएंगे, जो IAF फ्लीट के 60 ट्विन इंजन MiG-29 की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे।